नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में हाल ही में नीति आयोग की एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स की कुछ डिटेल्स रिलीज हुई है तो हम लोग इस ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है नीति आयोग का पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू दीज माइग्रेंट वर्कर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये मेन्स पर्स्पेक्टिव से एंड में मैं आपको एक सवाल भी दूंगा यहां पे किस तरह के सवाल बन सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी क्योंकि माइग्रेशन बहुत ही जरूरी टॉपिक बन चुका है हम लोग देख चुके हैं कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था तो उसके बाद दिस डज बिकम एन इंपॉर्टेंट टॉपिक सो लेट अस बिगिन बट बिफोर दैट आई एम योर फ्रेंड राहुल साइग इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी ऑन ये आई राहुल साई ट्रिपल टू इफ हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज इफ यू टू कनेक्ट विद मी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेस एंड संडेज apart from that StudyIQ has brought a smart course for you for upsc 2021 and in future also it's a course which contains both prelims and mains there is emi facility available on this particular course for more information please visit our website or download the app on google play store and don't forget to subscribe to our channel StudyIQ. right खबर के बारे में पहले बात करते हैं देखिए हम लोग जानते हैं कि कोविड 19 का लॉकडाउन आया मार्च में मार्च अप्रैल और मई तक बहुत ही इंटेंस लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा कि मिलियंस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स दे सफर्ड और बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई बहुत सारी पिक्चर्स आई हमारे पास बहुत सारी चीजें निकली कि माइग्रेंट लेबरर्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत से किलोमीटर सौ दो सौ सौ किलोमीटर चल के अपने घर वापस जा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान इनफैक्ट एक सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का कितने माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हुई एटसेट्रा क्या था माइग्रेशन का डेटा तो सरकार ने कहा कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है इस पर कोई स्टडी या कोई असेसमेंट नहीं हुई राइट तो इन सब चीजों से ये पता जरूर चल रहा है कि माइग्रेंट क्राइसिस इंडिया में बहुत ज्यादा है और माइग्रेशन रेट भी बहुत ज्यादा है राइट अगर हम लोग ग्यारह की सेंसस की बात करें तो माइग्रेशन का डेटा क्लियरली पता चलता है वहाँ से रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है इनफैक्ट रूरल टू रूरल माइग्रेशन रेट इज मच हायर देन रूरल टू अर्बन ऑल्सो और माइग्रेशन के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं इंटरनल माइग्रेशन या फिर इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है शादी एक रीज़न है जहाँ पे जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है और ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जो चले जाते हैं क्योंकि बोथ पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व यानी कि अगर समझ लीजिए मैं उदाहरण दे दूं आपको बिहार से कोई माइग्रेट करके जा रहा है दिल्ली में बिकॉज देर आर नो एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बिहार दैट इज वाई दे आर मूविंग टू डेली क्योंकि डेली में एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स या फिर एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है दीज आर दी फैक्टर्स और इंडिया में माइग्रेंट माइग्रेशन पॉपुलेशन में बहुत है और इस क्राइसिस के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो चुका है टॉपिक तो इसीलिए हाल ही में जब सवाल पूछा गया था सरकार से तो सरकार ने ये इंफॉर्मेशन दी कि नीति आयोग ने एक सब ग्रुप सेटअप की है टू प्रिपेयर अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स और इस सब ग्रुप में संतोष कुमार गंगवा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लेबर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कहा कि इस सब ग्रुप में बहुत सारे मिनिस्टर से सरकार के एनजीओ से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से और बहुत सारी और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और इस सब ग्रुप ने हाल ही में एक ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी बनाई है जिसकी कुछ डिटेल्स यहां पे आई है और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहां पे आपको याद रखना है कि जो पहले गवर्न करता था माइग्रेंट वर्कर्स को इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट नाइनटीन सेवेंटी नाइन दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज नाउ बीन सब्ज्यूम्ड इन टू ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ट्वेंटी शॉर्ट में ओ एस एच कोड ट्वेंटी राइट लेकिन हम लोग इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं चलिए क्या बताई नीति आयोग की इस सब ग्रुप ने जिन्होंने यह पॉलिसी आई बताई है और याद रखिए कि दिस इज स्टिल अ ड्राफ्ट पॉलिसी इसके बाद जब भी फाइनल पॉलिसी आएगी तो हम लोग और भी एक्सटेंसिव डिस्कशन डिस्कशन करेंगे इस चीज पे तो चलिए बात करते हैं नीति आयोग ने क्या विकल्प बताया फिर क्या विकल्प डिस्कस की? सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले नीति आयोग ने देखा कि उन्होंने दो प्रपोजल रखे एक प्रपोजल हैंड आउट अप्रोच एक प्रपोजल राइट्स बेस्ड अप्रोच हैंड आउट तो मतलब जो फ्री भी अप्रोच होता है सरकार की तरफ से जो चीजें मिलती है माइग्रेंट्स को वो फॉलो करनी चाहिए या फिर राइट्स बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए और राइट्स बेस्ड अप्रोच मतलब एंटाइटलमेंट और द राइट्स बेस्ड अप्रोच मींस एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको अगर मैं एक माइग्रेंट वर्कर हूं और समझ लीजिए मैं बिहार में हूं तो मेरा बिहार में क्या अधिकार है मेरे को बिहार में अधिकार है कि मुझे वहां पे पीडीएस से राशन मिल रहा है राइट राइट लेकिन जैसे ही मैं बिहार छोड़ के दिल्ली चला जाऊंगा क्या मुझे वहां पे ये 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 अधिकार मिल रहा है है तो ये सवाल जरूर उठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ नीति आयोग ने कहा कि राइट बेस्ड अप्रोच हैजू बी फॉलोड वेयर हैंड आउट शुड नॉट बी गिवन यानी कि अगर आप किसी अन्य स्टेट में जा रहे हैं वहां पर आपको हैंड आउट की जरूरत नहीं है आपका अधिकार है आपको राइट है जो स्टेट में आपको जो भी राइट मिल रहे थे वो आपको माइग्रेंट स्टेट में भी मिलने चाहिए ये बेसिक फंडा है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का अब इसका तात्पर्य क्या निकाल सकते हैं हम लोग यानी कि इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है क्या हम लोग एक स्पेकुलेशन लगा सकते हैं इस चीज से अभी माइग्रेंट्स को एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में लाने की भी शुरुआत हो रही है यानी कि अगर एक माइग्रेंट किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो रहा है तो दूसरे स्टेट के जो पॉलिटिक्स रहेंगे दूसरे स्टेट के पॉलिटिकल फैक्टर्स रहेंगे दे शुड फैक्टर इन द माइग्रेंट्स आल्सो यानी कि आगे चल के हम लोग यह अंदेशा लगा सकते हैं कि द माइग्रेंट्स विल गेट वोटिंग राइट्स इन द स्टेट इन विच दे आर वर्किंग एंड नॉट प्रोबेबली इन द होम स्टेट तो कुछ इस तरह का स्पेकुलेशन हम लोग लगा सकते हैं इफ वी आर गोइंग बाई द राइट बेस्ड अप्रोच पॉलिटिकल इंप्लीकेशन कैन बी दिस गोइंग इन फ्यूचर लेकिन चलिए लेट्स कम बैक टू द पॉलिसी एंड डिस्कस एग्जैक्टली कि क्या बताया है नीति आयोग ने चलिए बात करते हैं नीति आयोग की ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बारे में आयोग ने कहा है सरकार का इसीलिए को को है। है। कहते हैं कि किसी भी इंसान को डायरेक्टली फिश मत दीजिए मछली मत दीजिए इंस्टिट टीच देम फिशिंग वंस यू टीच देम फिशिंग उनकी स्किल बढ़ेगी और वो खुद फिशिंग करके खाना खा लेंगे राइट इंपॉर्टेंट नोशन दैट नीति आयोग जब हम माइग्रेशन की बात करेंगे नीति आयोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि को करना चाहिए हमारे देश में कि वो है। और सरकारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो माइग्रेशन को हिंडर ना करे लेकिन माइग्रेशन को इंटरनल माइग्रेशन को फैसिलिटेट करे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है प्रीवियस जो भी पॉलिसीज थी उसको लेकर यानी कि इन जनरल अगर मैं बात करूं माइग्रेशन के ऊपर देखिए 2017 में सरकार ने एक स्पेशल गवर्नमेंट ग्रुप बिठाई थी माइग्रेशन के ऊपर जिन्होंने बहुत कुछ रिकमेंडेशन दी थी नीति आयोग की रिकमेंडेशन भी उसी लाइन पे है लेकिन इन दोनों रिपोर्ट्स में एक बदलाव है नीति आयोग कहता है कि माइग्रेशन को इनफैक्ट फैसिलिटेट कीजिए लेकिन दो की रिपोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

पहला पॉलिसी कहती है कि एक नोडल एजेंसी क्रिएट कीजिए इनफैक्ट वो कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी द नोडल मिनिस्ट्री एंड दिस मिनिस्ट्री शुड क्रिएट अ स्पेशल यूनिट और ये स्पेशल यूनिट या फिर एक स्पेशल बॉडी रहेगी जिसका काम क्या रहेगा कि बाकी सारे मिनिस्ट्रीज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करें राइट right? क्योंकि देखिए जब भी माइग्रेंट का इशू आ जाएगा तो वहां पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी उनके काम को कन्वर्ज करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाए ये कहा इसके अलावा माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स बनाए माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर इन हाई माइग्रेशन जोन्स साथ ही साथ नेशनल हेल्पलाइन नेशनल लेबर हेल्पलाइन की बात की इंटरस्टेट माइग्रेशन मैनेजमेंट बॉडीज का भी प्रपोजल है और ये सारे जो भी रिसोर्स सेंटर बनेंगे वो सारे कोऑर्डिनेट किए जाएंगे इस स्पेशल यूनिट द्वारा ही इनफैक्ट ये जो माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रपोजल है एक इंडिकेशन है जिससे माइग्रेंट्स अब जहां कहीं स्टेट में जाएंगे काम करने के लिए वहां पे उन्हें वो रिसोर्स सेंटर मिलेंगे और वहां पे उस रिसोर्स सेंटर में उनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी अगेन इट विल बी राइट बेस्ड फैसिलिटीज नॉट एज अंड आउट नॉट एज अ फ्री बी बट एज योर राइट योर एंटाइटलमेंट राइट इसके आगे चलते हैं और पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए माइग्रेशन कॉरिडर्स इन द कंट्री और जैसे ही आप माइग्रेशन कॉरिडर्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो भी सोर्स स्टेट रहेगा और डेस्टिनेशन स्टेट रहेगा वो दोनों काम करेंगे साथ में थ्रू द माइग्रेंट वर्कर सेल्स अब माइग्रेशन कॉरिडोर क्या होता है जैसे अब उदाहरण दे दो तो आपको मैं माइग्रेशन मेनली होता है बिहार से यूपी से दिल्ली की तरफ हरियाणा की तरफ पंजाब की तरफ राइट टुवर्ड्स द मोर एफ्लुएंट रीजन्स और अगर मैं यूपी की बात करूं यूपी से आपको गुजरात की तरफ भी माइग्रेशन मिलेगा यूपी से आपको मुंबई की तरफ भी माइग्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगा सो दीज आर नथिंग बट दी माइग्रेशन कॉरिडोर्स नो फ्रॉम हियर यू डू सी अनदर सेटअप टुवर्ड्स कोलकाता राइट बिहार झारखंड से कोलकाता की तरफ इनफैक्ट ओडिशा से भी कोलकाता की तरफ ओडिशा से यू कैन से बैंगलोर ओडिशा से हैदराबाद की तरफ ओडिशा से चेन्नई की तरफ दीज कैन बी द माइग्रेशन कॉरिडर फ्रॉम वेयर द माइग्रेशन और सोर्स स्टेट्स होंगे बिहार झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा यहां से माइग्रेंट्स निकलते हैं दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम की तलाश में तो अब ये जो सोर्स स्टेट है और ये जो डेस्टिनेशन स्टेट है दोनों मिलकर काम करेंगे क्योंकि इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजल है यानी कि अब बिहार से अगर माइग्रेशन हो रहा है डेली में तो एक बिहार का ऑफिसर रहेगा डेली में एट द डेस्टिनेशन स्टेट टू हेल्प देयर लेबर इन दर ऑफिस राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजल है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस पॉलिसी में यह कहा जा रहा है कि पंचायत का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द राइट्स दैट आर गोइंग टू तो बी प्रोवाइडेड टू द माइग्रेंट्स ये कहा जा रहा है कि जो भी पॉलिसी बनाएंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार वहां पे पंचायत का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पंचायत की तरफ से बहुत सारी सहायता मिलनी चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स को अभी ये पंचायत का जॉब रहेगा कि वो डेटाबेस मेंटेन करें माइग्रेंट वर्कर्स का उनको आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करें इनको पासबुक्स इशू करे और उनको सारी माइग्रेशन और मैनेजमेंट और गवर्नेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें उनको ट्रेन करें प्लेसमेंट करें उनका काम नहीं मिल रहा है तो काम दे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उनको मिले इस पर्टिकुलर डेटाबेस से पंचायत से ही डायरेक्टली बेनिफिट मिले उन्हें तो पंचायत का क्रिटिकल क्रिटिकल रोल रहेगा इस चीज में इसके बाद स्टेम माइग्रेशन की भी बात की है यानी कि माइग्रेशन को रोकने की भी बात की है अब आप सोच रहे होंगे सर आपने शुरुआत में बताया कि फैसिलिटेट करेंगे माइग्रेशन को लेकिन ये एक बैलेंस करने की बात करता है पॉलिसी फैसिलिटेशन होगा क्योंकि इट इज क्वाइट इनेवेटेबल लेकिन स्टेम माइग्रेशन का मतलब यह है कि अगर हम लोग माइग्रेशन को रोक सकते हैं इट वुड बी बेटर लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो फैसिलिटेट करना ही है वो कहते हैं कि मिनिमम रेजे मिनिमम वेजेस अपने स्टेट में रेज कीजिएगा बढ़ाइएगा उसको ताकि माइग्रेशन स्टेम हो दूसरे स्टेट्स में लोग ना जाए काम करने के लिए अपने ही स्टेट में आप मिनिमम वेजेस बढ़ाइए अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ाएंगे तो माइग्रेशन रेट उतर जाएगा उसके साथ ही साथ जो भी आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है आपके स्टेट में जो भी जो पुश फैक्टर्स कर रहा है यानी कि फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और बेसिक राइट्स आप नहीं दे रहे हो तो आप उन चीजों को प्रोवाइड कीजिए क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा कि कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन और जो पंचायत से लोकल लेवल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनका काम ये रहेगा कि वो पॉवर्टी को कम करें वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम करें और एक प्रो पुअर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लिया यानी कि माइग्रेशन अगर रोक सकते हैं तो रोकने की कोशिश कीजिए लेकिन माइग्रेशन को फैसिलिटेट भी किया जाएगा इनफैक्ट मैं यह कह सकता हूं कि माइग्रेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की बात करती है यह पॉलिसी इसके अलावा ऑब्बियसली बात है सेंट्रल डेटाबेस की क्योंकि गेस भी कर सकते हैं राइट क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सरकार से सवाल पूछा गया कि कितने माइग्रेंट्स की डेथ हुई है ड्यूरिंग दिस कोविड नाइनटीन लॉकडाउन तो कोई डेटा नहीं था तो डेटा इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस यहां पे पॉलिसी कहती है एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएंगे जहां पे सारे माइग्रेंट्स का डेटा रहेगा ताकि एम्प्लॉयर्स को बताए कि कितने हमारे पास माइग्रेंट्स है डिमांड सप्लाई मैच हो और इसी डेटाबेस के थ्रू बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर मिले इन माइग्रेंट्स को इनफैक्ट सारे स्टेट्स और जो सेंसस ऑफिस रहेगा उनको कहा गया है कि कॉन्स्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स बनाने की कोशिश करें क्योंकि डिफरेंट लेबर ऑफिस में डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स होता है डिफरेंट वेजेस चलते हैं एक्सेट्रा इसको यूनिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है साथ ही साथ एक और प्रस्ताव भी आया है जहां पे एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को यह कहा गया है कि उनके सर्वे में अभी माइग्रेशन का भी डेटा पूछा जाए यानी कि माइग्रेशन का भी क्वेश्चनेर रहे साथ ही साथ उन्हें कैरी आउट करने को कहा गया है एक सेपरेट सर्वे ऑन माइग्रेशन आल्सो सो गोइंग इनटू फ्यूचर वी विल हैव डेटा बेस ऑफ माइग्रेंट सर्वे ऑन है किस स्टेट से कितने माइग्रेंट्स निकल रहे हैं क्या स्टेट ए से निकल के स्टेट बी में जब जा रहे हैं तो उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है नहीं तो इन सब चीजों के ऊपर अभी हमें डेटा मिलेगा इसके अलावा पॉलिसी कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री लेवल रिकमेंडेशंस करती है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट हाउसिंग एटसेट्रा को क्या कहते हैं कि आप माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर बनाएं स्पेशली हाई माइग्रेशन जोन्स में इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्ट्रप्रनोरशिप को उन्होंने ये कहा है कि आप इन सेंटर्स पर यानी कि एम में माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर पर आप स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है कि आर के जो प्रावधान लगेंगे वो माइग्रेंट जो लोग रहेंगे उनके बच्चों के ऊपर लागू हो आप आइडेंटिफाई करें माइग्रेंट चिल्ड्रन को और उन्हें प्रोवाइड करें एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में पॉसिबल हो तो लोकल लैंग्वेज में भी उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए राइट इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को ये रिकमेंडेशन दी है कि माइग्रेंट्स के लिए नाइट शेल्टर्स बनाए शॉर्ट स्टे होम बनाए सीजनल अकोमोडेशन की तैयारी रखें सीजनल अकोमोडेशन क्यों क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर सीजन होता है तो माइग्रेंट्स वापस चले जाते हैं वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए लीन सीजन में वो आ जाते हैं दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए तो इसलिए सीजनल अकोमोडेशन को भी बनाने की एक रिकमेंडेशन दी है हाउसिंग एंड अर्बन को और फाइनली नालसा को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को यह कहा है कि वो ग्रीवांस हैंडलिंग सेल्स सेटअप करें और फास्ट ट्रैक लीगल रेस्पॉन्सेज दे दें जो भी माइग्रेंट्स से जुड़ी हुई केसेस होती है ट्रैफिकिंग की उनकी मिनिमम वेज से जुड़ी हुई या फिर कोई वॉयेशन हो रहा है उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है एक्सीडेंट रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू तो माइग्रेंट वर्कर्स इन सब चीज़ों पे जल्द से जल्द केसेस रिजॉल्व होने चाहिए और माइग्रेंट्स को लीगल मदद मिलनी चाहिए ये सब रिकमेंडेशन दी है अगेन हम रिपीटिंग ड्राफ्ट पॉलिसी है जब भी फाइनल पॉलिसी आ जाएगी तो हम और भी एक्सटेंसिव इस पर डिस्कशन करेंगे लेकिन मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूँगा एक सवाल के साथ और बड़ा ही सिंपल सा सवाल है मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था जो नीति आयोग ने दिया है नीति आयोग कहती है कि माइग्रेशन शुड बी एक्नोलेज एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड नॉट हिंडर बट सीक टू फैसिलिटेट इंटरनल माइग्रेशन तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्ट एनालाइज क्रिटिकली वट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग आर वी रेडी फॉर सच अ काइंड ऑफ पॉलिसी वेयर वी विल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन स्टॉपिंग माइग्रेशन that's it from my side on this part of discussion thank you for watching jai hind